अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज गांव सिलानी में सरपंच प्रीत सिंह के घर बेटी जन्म पर कुआं पूजन का कार्यक्रम किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना को प्रोत्साहन मिलेगा। गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि वह बेटी को पैदा होने दें, वह उनको पढ़ाएं। माननीय उपायुक्त श्रीमती सोनल गोयल जी ने जिले में लिंगानुपात को समान करने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करवाए हैं। इसी कड़ी में उनसे प्रोत्साहित होकर आज गांव सिलानी में सरपंच प्रीत सिंह के घर कुआं पूजन का कार्यक्रम किया गया। बेटी के जन्म पर पूरे गांव में 36 बिरादरी को प्रतिभोज कराया गया। वहीं माननीय कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने गांव सिलानी में पहुंचकर बेटी को आशीर्वाद दिया और बेटी के खुशहाल जीवन की कामना की। देखिए, बेटी और बेटियां की संख्या बराबर ही किसी सभ्य समाज में की निशानी है और जब तक हम बेटियों को बढ़ावा नहीं देंगे, उनको उनका गौरव नहीं प्रदान करेंगे, उनको उनके सपने पूरे करने का हक नहीं देंगे, उनको आगे बढ़ने का हक नहीं देंगे, उनको जीवन का हक नहीं देंगे, तब तक सभ्य समाज के रूप में हम अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी थी, जो सेक्स रेशियो बहुत डाउन चली गई है, अब सुधर रही है और संपूर्ण समाज बेटियों का मान बढ़ा है। मैं बधाई देता हूँ सरपंच साहब को कि आज उन्होंने बेटी की खुशी में दशोटन रखा है। ये एक बढ़ते हुए गौरव की बात है बेटियों के प्रति और हम सब को इससे सबक लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए और इसी प्रकार से जैसे बेटों के मौके पर हम खुशी मनाते हैं, बेटियों पर भी इसी प्रकार से खुशी मनानी चाहिए। ये अभिनंदनीय बात है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी पूनम जैन, सुपरवाइजर सुमित्रा वरतना, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर व आशा वर्करों ने शिरकत की। साथ ही इस अवसर पर माननीय कृषि मंत्री हरियाणा सरकार ओम प्रकाश धनखड़, रिटायर्ड कमिश्नर डॉक्टर आजाद सिंह चाहर, सत्रा चाहर खाप के प्रधान ऋषिपाल चाहर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रमेश वाल्मीकि, सिलानी केशव के सरपंच पवन कुमार, किशन चेयरमैन व गाँव के वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। आजाद हरियाणा के लिए झज्जर से अखिल चौधरी की रिपोर्ट।